जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए बिना गैस चलाए 5 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए ना हमें घी, मावा, ना चाशनी, कुछ भी नहीं चाहिए और ये फटाफट से बन जाएगी। कोई बच्चा या बिगनर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो रोस्टेड चने होते हैं वो 1 कप के जितने लिए हैं। ये कोई भी किराना स्टोर पर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो चने को हमें मिक्सर के जार में डाल के इसका हमें एक बारीक फाइन पाउडर कर लेना है। तो इस तरीके का ये एकदम बारीक हो गया है। इसको अभी हम थोड़ा सा छान लेते हैं, क्योंकि छानने से जो कहीं थोड़ा मोटा कुछ रहा होगा तो इसमें निकल आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको छान के लेना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी लिया है, उसके अंदर थोड़ी इलायची डालेंगे और इसको भी हमें बारीक पीस लेना है। तो चीनी को भी हमने इस तरीके से पीस लिया है। पीसी हुई चीनी को इसके अंदर मैं ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने जो बारीक पीसा हुआ नारियल लिया है सूखा वाला, इसको भी इसके अंदर में डाल देते हैं और चम्मच की सहायता से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये इसको मैं अच्छी बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैं अमूल का फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास में ये वाला क्रीम नहीं है तो आपके घर में जो मिल्क आता है उसके ऊपर में मलाई जम जाती है, उसको भी आप ले सकते हो। और मैंने 2 चम्मच के जितना ही इसके अंदर में ये वाला क्रीम डाला है, साथ में मैंने थोड़ा सा मिल्क भी लिया है। अभी हम इसको हाथ की सहायता से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच या कोई विस्कर की सहायता से भी मिक्स कर सकते हो, मगर हाथ से करते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे हमने 4 चम्मच के जितना मिल्क डाला है। मिल्क डालने के बाद में फिर से हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और मिल्क डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें मिल्क धीरे धीरे करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है। एक साथ डालने पर ये गीला भी हो सकता है, इसलिए आप धीरे धीरे करके डालना। और इसको अभी हम थोड़ा हाथ की मदद से इस तरीके से मसल लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके का बन के तैयार हो गया है। ये एकदम मुलायम बना है, मिश्रण हमारा अच्छे से रेडी हो गया है और ये हमारा थोड़ा सा मिल्क बच भी गया है। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है। इसको इस तरीके से थाली पे रखेंगे। अगर आपके पास में कोई ट्रे है तो आप उस पर भी रख सकते हो। और ये मिश्रण को इस तरीके से हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और इसको इस तरीके से धीरे धीरे करके थपकी लगा के आप चाहे अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हो। मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है, ये देखिए। तो ये हमारा अच्छे से सेट भी हो गया है। मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए मैंने थोड़े से बादाम और मेलन सीड लिया है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा हम डाल देंगे। इससे ये बहुत ही सुंदर दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे हमने कोई हलवाई की दुकान से ही इसको ख़रीदा है। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, जितना टेस्टी है उतना हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर हमने रोस्टेड चना का यूज किया है। तो ये हमारा बन गया है। अभी हम इसके, तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मैं इसका चौकोर टुकड़ों में कट कर रही हूँ, आप चाहे अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसके चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको मैंने एक प्लेट के अंदर में रख के इसको इस तरीके से रखा है। इसको देखकर कोई नहीं बोलेगा कि इसको आपने घर पे बनाया है, ये खाने में भी एकदम लाजवाब है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस रक्षाबंधन पे आप अपनी बहन के लिए या बहन अपनी भाई के लिए इसको बना के आप अपने अपनों को खुश कर सकते हो। और ये बहुत ही हेल्दी है, मेरी वाली रेसिपी मेरे तरीके से। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड या फैमिली में इसको शेयर कर देना, ताकि आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाओ तो क्या पता ये वाली डिश आपको ही खाने को मिल जाए। और ये देखिए मैंने आपको इसको बीच में से तोड़ के दिखाया, ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप सब ने मेरी वीडियो पूरी देखी तो आप सबको थैंक यू।